ये पहला भोजपुरी अवार्ड है जो कि आज से 14 साल पहले शुरू हुआ। इसके बाद कई अवार्ड पनपे, इंटरनेशनल हुए और भी बहुत सारे हैं अवार्ड्स, लेकिन ये पहला अवार्ड है जो कि भोजपुरी में शुरू हुआ था और इसके 14वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच में आ रहे हैं अली खान जी, आइए सर। सर आपको 14 साल से ये अवार्ड हो रहा है, आपको इस बार आकर कैसा लग रहा है आप बताएंगे जरा? बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद गुप्ता जी ने भोजपुरी के कलाकारों के लिए एक इतिहास रच दिया। 14 साल इस अवार्ड फंक्शन को मेंटेन करना, लोगों को सबको पूरे साल में याद करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब की दुआएं विनोद जी के पास है, साथ है, और मैं दुआ करता हूं कि विनोद जी इसी तरीके से आगे सबको मान सम्मान देते रहे। जो डिजर्विंग एक्टर हैं, जो अवार्ड जिनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, और भोजपुरी अवार्ड की वजह से सिर्फ नॉट ओनली इंडिया बल्कि विदेश में भी काफ़ी इस अवार्ड की चर्चा होती है और ऑल ओवर कंट्री में देखा जाता है, और आज भोजपुरी का नाम पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है। और मैं उन सारे कलाकारों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भोजपुरी का मान सम्मान कायम रखा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच में आ रहे हैं सुरेंद्र पाल जी, तो मैं सुरेंद्र पाल जी से दो लफ्ज बात करना चाहूँगा, उन्होंने भी काफ़ी भोजपुरी फिल्में की हैं। इस भोजपुरी अवार्ड के लिए सबसे पहले तो मैं इसके जो चेयरमैन हैं विनोद गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 14 साल से वो इस अवार्ड को बहुत सक्सेसफुली करते चले आ रहे हैं और उनका परचम सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में लहरा रहा है, और उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इस अवार्ड फंक्शन में के लिए यही कहूँगा कि इस अवार्ड भोजपुरी अवार्ड फंक्शन में जिन कलाकारों को अवार्ड मिल रहा है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों को नहीं भी मिल रहा है उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल उनको ज़रूर अवार्ड मिले, और बहुत सारी शुभकामनाएं।